नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। हितांशु बग्गा है मेरा नाम और आज हम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर किसी ट्रेडर के मन में आज एक सवाल तो होगा ही, और वो है कि क्या सेबी के नए प्रपोजल्स हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लाए जा रहे हैं, उसमें क्या अपडेट्स है, और क्या सच में वीकली ऑप्शंस ट्रेडिंग पे एक प्रतिबंध लगते हुए दिख सकता है हमें आने वाले कुछ हफ्तों में। और अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या ऑलरेडी इन्वॉल्व हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने मेरी लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेबी, जो कि हमारा मार्केट रेगुलेटर है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का टर्नओवर 2018 से सिर्फ 6 सालों में 210 लाख करोड़ से 500 लाख करोड़ तक एक्सप्लोड हो गया है। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि जो मैक्सिमम इनफ्लो हुआ है इस एक्सप्लोजन में, वो हुआ है इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो मोस्टली पैसे बोरो करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे फॉर क्विक प्रॉफिट्स। मगर दूसरी ओर सेबी की स्टडीज ये भी दिखाती है कि लगभग 90% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बेट्स में पैसे लूज करते हैं, और ज्यादातर वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन के लिए यूज हो रहे हैं, हेजिंग के लिए नहीं, जो हमारी देश की इकोनॉमी को कई सारे रिस्क से एक्सपोज करते हैं। इसमें दो प्रकार के रिस्क होते हैं, एक तो सिस्टमैटिक रिस्क, जो कि अगर किसी भी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो ये ओवर ट्रेडिंग मार्केट में अनवांटेड मूव्स ला सकता है, जिससे पैनिक भी इंजेक्ट किया जा सकता है, विच ऑल्सो हैज जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस टू सर्टेन एक्सटेंट। और दूसरा है इंडिविजुअल रिस्क, कि जिस प्रकार से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वो रिटेल ट्रेडर्स बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी बात के नंगी तलवार लेके ट्रेडिंग के मैदान में उतर रहे हैं और बेफिजूल के लॉसेस कर रहे हैं, जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बट हमारे देश की इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि एक ट्रेडर को मार्केट में सिर्फ मॉनेटरी लॉस ही नहीं होता, उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी लॉस होता है, जिसकी वजह से बंदे की साइकोलॉजी हिल जाती है पूरी। और ये उस पर्सन के लिए और हमारी देश की ग्रोथ के लिए ये ठीक नहीं होता है। आपने कसिनो में रूलेट की गेम तो देखी ही होगी। इसमें ना 37 पॉकेट्स होते हैं, नंबर्ड 1 to 36, 18 ब्लैक और 18 रेड। कोई हिंट मिली क्या आपको? और आपके सामने काफी सारे लोग होते हैं जो इन नंबर्स पे बोली लगा रहे होते हैं, राइट, टू मेक क्विक प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में आपका कॉम्पिटिटर कौन हुआ? वो लोग जो सामने खड़े हैं? नहीं, आप और आसपास के सारे लोग मिल के कसिनो से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आपका कसिनो कॉम्पिटिटर है, वो लोग नहीं। और आप ये भी जानते हो गई कि द गेम इज ऑलरेडी रिग्ड इन द फेवर ऑफ द कैसीनो, और वो जो 37th पॉकेट है ना, ग्रीन वाला, उसी में ही स्टैटिस्टिक्स का सारा खेल है। और जब आप एक बेट लेते हो उस कैसीनो के अगेंस्ट, तो उस सिचुएशन में कैसीनो के पास एक इनहेरेंट एज होता है टू विन ओवर यू, जिसे हाउस एज भी बोला जाता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बायर हैज अनलिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, वाइल सेलर हैज अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। और ऑप्शंस बाइंग के लिए आपको तो सिर्फ प्रीमियम जो भी होता है वही पे करना पड़ता है, बट सेलर हैज टू गिव मच मोर इन टर्म्स ऑफ स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन एक्सेट्रा। मगर ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा है? तो यहाँ पे भी कैसीनो जैसे द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर ऑफ ऑल टाइम्स होता है थीटा डीके, जिसे हम टाइम डीके भी बोलते हैं। और वही ग्रीन पॉकेट की तरह इस थीटा डीके से ऑप्शन सेलर को एक इनहेरेंट एज मिलती है बायर से जीतने के लिए। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वीकली ऑप्शंस तो आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं होता है रिएक्ट करने को ड्यू टू गैमा इफेक्ट, बट इसी में ही मैक्सिमम पीपल ट्रेड कर रहे हैं। और तो और ऑप्शंस के वॉल्यूम स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि भाई कौन सा ऑप्शन सेलर एक्सपायरी डेट तक रुकेगा 10-15 रुपए के लिए, इट्स जस्ट पीनट्स, यू नो। और इस अब नॉर्मली हाई एक्सपायरी वॉल्यूम का फायदा फॉरेन के बड़े बड़े हेज फंड्स
इंजेक्शंस दे दे के उठा रहे हैं और आपके और मेरे जैसे ट्रेडर्स से मोटा पैसा कमा रहे हैं। आपने हाल ही में देखा ही होगा कि एक्सपायरी डे में कैसे मूव्स आते हैं और इस वजह से सेबी ने लास्ट मंथ एक एक्सपर्ट कमिटी एस्टैब्लिश की थी टू एड्रेस दिस इशू ऑफ हाई रिटेल पार्टिसिपेशन जो रैम्पेंट स्पेकुलेशन को लीड कर रहा था। और इस कमिटी के द्वारा अब 6-7 रिकमेंडेशंस आ गए हैं जो सेबी कंसिडर कर सकता है टू इम्प्लीमेंट। बट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो दो है ना, उनमें से पहला है वीकली ऑप्शंस का रैशनलाइजेशन या लिमिटेशन, जिसमें यह रेकमेंड किया जा रहा है कि हर एक एक्सचेंज हफ्ते में एक ही एक्सपायरी रख सकता है। ध्यान रखिएगा कि इस समय 6-6 एक्सपायरीज हो रही है, 4 एनएसई की तरफ से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, और बीएसई की तरफ से 2 एक्सपायरीज है, हमारा सेंसेक्स और बैंक एक्स। और पांचों के पांचों दिन कम से कम एक एक्सपायरी तो होती है, मंडे को तो 2 एक्सपायरीज होती है, मिड कैप की और बैंक एक्स की, और बाकी सारे दिन थैंकफुली एक ही एक्सपायरी है। तो अगर सेबी इस रूल को इम्प्लीमेंट करता है तो काफी वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगे और मार्केट्स में थोड़ी स्थिरता भी बनी रहेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग टू वॉच एनएसई भी रहेगा, क्योंकि एनएसई में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही वॉल्यूम्स बहुत हाई है। तो क्या शायद फोर्टनाइटली एक्सपायरी होगी, मतलब 1 वीक निफ्टी की और शायद नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की, ऐसा भी हो सकता है क्या? आई एम नॉट श्योर, दीज आर जस्ट माई थॉट्स, हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। दूसरा मेन रिकमेंडेशन है लॉट साइजेस का इंक्रीज। कमिटी ने ऐसा सजेस्ट किया है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मिनिमम लॉट साइज जो कि 5 लाख से 8 लाख का होता है, उसे बढ़ा के 20 लाख से 30 लाख तक कर दिया जाए, जिससे मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक बढ़ जाएगी। इससे स्मॉल टिकट ट्रेडर्स के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी ड्यू टू मोर अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब तक इंडियन मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइज को कांस्टेंट रखा जाता था अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 लाख रुपीस का, और जब अंडरलाइन की प्राइस बढ़ती है तो लॉट साइज को चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट साइज को मैनेज किया जाता है। जैसा कि हाल ही में हमने निफ्टी का लॉट साइज 50 से कम करके 25 होते हुए देखा था। वैसे एक फन फैक्ट ये ना, निफ्टी का 75 भी लॉट साइज था किसी जमाने में जब हम जवान थे। वैसे और भी कई मेजर्स है जो कि रेकमेंड किए गए हैं, जैसे कि इंडेक्स के स्ट्राइक्स को थोड़ा कम करना। एक्सपायरी डे पे जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम्स एकदम स्पाइक करते हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया जा सकता है क्लोजर टूवर्ड्स एक्सपायरी। ऑप्शन प्रीमियम्स का अपफ्रंट कलेक्शन फ्रॉम बायर्स और एक्सपायरी डे पे कैलेंडर स्प्रेड के बेनिफिट्स का रिमूवल, ये सब मेजर्स रेकमेंड किए गए हैं एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा। तो इस पे देखना पड़ेगा क्या होता है। अब ये रेकमेंडेशन सेबी की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी रिव्यू करेगी, या फिर जैसा कि हमने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी मैडम के लीडरशिप में देखा है कि शायद हमें सेबी के द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर भी आते हुए दिख सकता है टू इनवाइट कंसल्टेशन फ्रॉम पब्लिक टू गेट देयर व्यूज बिफोर एनी फाइनल डिसीजन, और उसके बाद हमें सेबी की ओर से एक डिसीजन आते दिख सकता है। मगर ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फास्ट एक्शन होते हुए दिख रहा है। ये सब खबर सुन के मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग कहीं नहीं जाने वाली। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर यूजुअली शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में ट्रेड ही नहीं करता है। अगर आप यूएस के ऑप्शन मार्केट को देखोगे तो वहां पे तो 1-2 साल के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, जिसे लीप्स भी बोलते हैं, वो भी लिक्विड होते हैं। शायद कुछ उसी प्रकार से हमारे बाजार में भी थोड़े लॉन्ग टर्म, जैसे कि 2-3 या 6 महीने के तक के ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो थोड़े सेफर भी होते हैं फॉर ट्रेडिंग, और ये मार्केट इन जनरल और मेरे जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर मार्केट में इन शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की जुमलाबंदी बंद हुई तो लार्ज फॉरेन फर्म्स के द्वारा इंजेक्शन थेरेपी भी बंद होगी, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो सेबी और पुरी मैम के इस डिसीजन को तहे दिल से स्वागत करता हूं, और ये मानता हूं कि ये स्टेप कठोर तो है बट जरूरी भी है। सो लेट्स होप दैट द बेस्ट जजमेंट प्रिवेल्स ऑन दी सेबी मैनेजमेंट, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे ना, सबके हित में ही लेंगे। जैसा कि हमारे माता पिता जब कोई कठोर स्टेप्स लेते हैं, वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए ये सही है, बट हम कभी कभी उनकी कठोरता को देख के उनके अंडरलाइंग प्यार को भूल जाते हैं। तो जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। इस खबर को किसी भी रूप में फेर बदलाव करके नेगेटिविटी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों,
ये थी आज की अपडेट सेबी के नए प्रपोजल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सियाराम।